नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे देश के, भारत के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरे प्रिय देश प्रदेशवासियों, मुझे कोविड के लक्षण नजर आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने यह खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के अरविंद भदौरिया मंत्री हैं सहकारिता में, वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना टेस्ट करवाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पॉजिटिव निकले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कुछ मंत्रियों के साथ में लालजी टंडन की शोक सभा में 21 जुलाई को लखनऊ गए थे और वहीं पर माना जा रहा है कि लालजी टंडन की शोक सभा में बीजेपी के तमाम मंत्री जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद में कोरोना फैला है। किस तरह से जो है लगातार देश भर में आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोरोना को लगातार सरकारें नजरअंदाज करती रही, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो मध्य प्रदेश की खुद की सरकार है, लेकिन नजरअंदाज करके, आपको याद होगा कि किस तरह से कोरोना को नजरअंदाज करके 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद में 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था। और कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवाने के लिए ही मोदी सरकार ने देरी से जो है वो लॉकडाउन लगाया। बहरहाल अब जो है शिवराज सिंह चौहान पॉजिटिव हो गए हैं और कोरोना पॉजिटिव अब होने के बाद में उन्होंने खुद से ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लेकिन एक बड़ी खबर और है, वो बड़ी खबर भी आपको जाननी चाहिए। बड़ी खबर ये है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद जा रहे हैं अयोध्या भूमि पूजन के लिए, राम मंदिर के लिए। ऐसे में इन दोनों खबरों को जोड़ करके देखना बेहद जरूरी है। एक तरफ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लालजी टंडन की शोक सभा में लखनऊ आते हैं और यहां पर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जब जाएंगे तो आपको खास ख्याल यह भी रखना चाहिए कि शादी के लिए सरकार ने अभी तक, खुद केंद्र की सरकार मोदी सरकार जो कहती है वो 50 लोगों की अनुमति है शादी के लिए। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जो लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो सकती है वो 20 व्यक्तियों की है, लेकिन मोदी के राम मंदिर पूजन के समारोह में 200 लोगों की से 250 लोगों की जो है वो इजाजत दी गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कोरोना की चपेट में पूरा देश है, करीब 13 लाख से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और रोजाना पहले 10,000, 20,000 और अब 50,000 का ये आंकड़ा रोजाना सामने आ रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या अयोध्या जाकर के राम मंदिर का पूजन करना उचित है, क्या उसका शिलान्यास करना उचित है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पहली बात, जिस तरह से लगातार एक बहस उठ रही थी कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पर एक प्रधानमंत्री का किसी मंदिर विशेष के जो है कार्यक्रम में जाना, ये अपने आप में एक सवाल उठाता है। लेकिन उसके बाद में ये भी सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अभी तक जिन भी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, शुरुआत की है, शुभारंभ किया है, वो डिजिटली किया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या क्यों आ रहे हैं? क्या अगर उनको शामिल ही होना है, पहले तो उनके शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं, अगर उनको शामिल ही होना है तो क्या वो डिजिटल तरीके से, डिजिटल माध्यम के जरिए, जिस डिजिटल इंडिया की बात खुद प्रधानमंत्री करते हैं, क्या उसके तरह से जो है इस राम मंदिर का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, उसका जो है शुभारंभ नहीं कर सकते हैं? बड़ा सवाल यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोरोना काल में जितनी भी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, चाहे उनका शुभारंभ किया है, वो डिजिटल माध्यम से किया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारत को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे में वो अयोध्या क्यों आ रहे हैं या अयोध्या क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उठता है। सवाल यही है और इसका जवाब ये है कि परसेप्शन की लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई है और इसीलिए एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके इस प्रोग्राम में जितने साधु संतों की भीड़ वहां पर उमड़ेगी, जितने लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ेगी, उनके कोरोना को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनको अगर कोरोना होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ आए, यहां लखनऊ शोक सभा में इकट्ठा होने के बाद उनको कोरोना हुआ है, एक मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में आया है, सोचिए कि एक कितना बड़ा ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो कोरोना से अपने आप को नहीं बचा पाया, तो ऐसे में भीड़ इकट्ठा होगी 5 अगस्त को, क्या वो अपने आप को बचा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है,
जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा जाना चाहिए। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके फोन में क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं था, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाए कि जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में वो आ रहे हैं क्या वो व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं है। तो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उनको खुद से स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जिस तरह से अब कोरोना पॉजिटिव हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद में लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या शिवराज सिंह चौहान ने थाली ताली नहीं बजाई थी। बिल्कुल बजाई थी, फिर उसके बाद में उनको कोरोना क्यों हो गया? तो हां जी बिल्कुल हो गया, यह भी सत्य है। और जिस तरह से जमात को लेकर के टारगेट किया गया था, तो अब यह पूछा जा रहा है कि बीजेपी के नेता ये उस जमात में इकट्ठा क्यों हुए थे, क्यों कोरोना फैलाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जबकि सरकार खुद कह रही है कि 20 व्यक्तियों से ज्यादा जो है वो व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री आता है, उसके साथ में मंत्री आते हैं और उनके साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड और तमाम जो अमला आता है, कितनी भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई होगी। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। जनता मर रही है और जनता का मरना जो है वो ना दिख रहा है ना दिखाया जा रहा है, ना सरकार को दिख रहा है ना मीडिया दिखा रही है। पूरी तरह से कोरोना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 13 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं और रोजाना 1 लाख से रोजाना 50,000 केस जो है वो अब हो रहे हैं और 1 लाख केस भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति भी कुछ ही दिनों में हमारी हो जाएगी। लेकिन कोरोना के ऊपर कहीं पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है तो वर्चुअल रैली पर ध्यान है, ध्यान है तो प्रचार पर ध्यान है। और इसीलिए बिहार में चुनाव होने थे और चुनाव को चलते जोर शोर से बिहार में भाजपा जो है वो तैयारी कर रही थी, लेकिन अब बिहार में भी लॉकडाउन करना पड़ा। यह सब दर्शाता है कि किस तरह से सरकार की जो रणनीति है वो किस तरह से बिल्कुल ढीली है, बिल्कुल ढीली है। इसी का परिणाम है कि पहले सरकार जोर शोर से जो है वो चुनाव की तैयारियों में लगती है, फिर कोरोना के केस एकदम से बढ़ जाते हैं, फिर सरकार लॉकडाउन लगाती है नीतीश कुमार की। तो यह दिखाता है कि आपके पास में कोई रणनीति है नहीं, तो आप खाली जो है लोगों को जो है चालान काट सकते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना, आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की या आपने लॉकडाउन को तोड़ा है। आप केवल आम आदमियों का जो है वो उनका चालान कर सकते हैं, लेकिन खुद आप कितने सुरक्षित हैं ये बताता है। और खुद मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो अपने आम नागरिकों को, प्रदेशवासियों को बचाने के लिए कितना सुरक्षित है, कितनी जो है वो काम कर रही है, इसकी पोल जो है वो शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव होना ये खोल करके रख देता है कि जब आपका मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं बचा पाया तो प्रदेश की जनता को क्या खाक बचा पाएगा। यह भी सवाल है। बिल्कुल सहानुभूति होनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान के साथ में, और मैंने खुद भी ट्वीट किया है कि वो जल्दी स्वस्थ हो, यह भी कामना की जानी चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनकी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की जनता की, तो ऐसे में उनसे सवाल भी पूछा जाएगा कि जब आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं रख पाए, खुद अपने आप की सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर आपसे प्रदेश की जनता क्या उम्मीद रखे? तो क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि प्रदेश की जनता को आप कोरोना से बचा पाएंगे? इस बात की जिम्मेदारी क्या आप ले सकते हैं जबकि आप अपने आप को जो है वो नहीं बचा पाए और आप अपने आप से ये नहीं तय कर पाए कि कौन व्यक्ति किससे मिलना चाहिए किससे नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से मोदी सरकार यही कहती है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखिए और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ में देखते रहिए कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आपको बता रहा है कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ये तमाम वो सवाल है जो कि मोदी सरकार की, शिवराज सिंह चौहान की पोल खोल करके रख देते हैं। और किस तरह से मीडिया का जो रवैया है, अमिताभ बच्चन को जब कोरोना हुआ तो मीडिया ने धाए 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 उसकी पूरी तरह से खबर चलानी शुरू कर दी, और अब शिवराज सिंह चौहान की खबर जो है वो एक ब्रेकिंग चला करके उसको दबा दिया गया है। क्योंकि ये फजीहत कराता है कि एक आपका मुख्यमंत्री, और वो भी प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो ऐसे में ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है क्योंकि अच्छा संदेश नहीं जाता है, पॉजिटिव न्यूज नहीं जाती है। लेकिन हकीकत पर तो सवाल पूछने चाहिए कि जब मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं बचा पाए तो ऐसे में सरकार में और राज्य सरकार में जो है क्या व्यवस्थाएं चल रही है, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे जाने चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया है वो नहीं पूछेगा, हम जरूर पूछेंगे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जहां पर सवाल पूछे जाए सत्ता से, जहां पर बात हो जनता की, ये ऐसी तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।